नमस्कार दोस्तों, इजहार टॉक्स में आपका स्वागत है। जीवन फना होने वाली है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है एक बुलबुला जैसा है, कभी भी फूट सकती है। इसलिए हमें जो भी करना है, हमें जो जिंदगी मिली है, इसी जीवन में हमको जो भी करना है उसको पूरा करना है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो भी चाहत रखते हैं, जो भी मन में इच्छा है, आप उसको योजना तहत अंजाम दीजिए, ताकि जीवन रहते आपकी योजनाएं फुलफिल हो सके। तो आज मैं आपके समक्ष, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति है, हमारे अंकल लगते हैं, उनके कल के रात उनका देहांत हो गया। उनका नाम हनीफ शेख है, जिनकी मौत हुई 65 वर्ष की अवस्था में हुई। उनका जन्म जो है 1957 में हुआ है। तो उनको हम कह सकते हैं कि वह हम बुजुर्ग थे, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उनका खाना जो है खा नहीं पा रहे थे और केवल लिक्विड पे जीवित थे। और अभी हम जान रहे हैं कि हमारे इलाके में भयानक रूप से गर्मी बढ़ रही है। इस इलाके में इतनी भयानक गर्मी है कि ये लगता नहीं है कि ये इलाका जंगल बेल्ट है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये कोई कॉल बेल्ट है या कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इस तरह की गर्मी पहली बार देखी जा रही है। और मजे की बात यह है कि पहली बार इस तरह की गर्मी के साथ साथ ये भी देखी गई है कि बारिश भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये सब समस्याएँ आ रही है। लोगों का जो हेल्थ है वो लगातार बिगड़ रहा है, लोग कमज़ोर हो रहे हैं। तो मैं उन्हीं के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले जिनका नाम हनीफ शेख है, उनका कल रात उनका देहांत हो गया है। और आज उनका जनाजा निकाला गया और जनाजे की जो नमाज हुई वो करीबन 4 से 4:30 के बीच में हुई है। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो घर में उनके बेटियां थी, बीवी थी, बच्चे भी हैं, बाकी सभी बेटे नहीं थे उनके। कुछ बेटे बनारस में थे, कुछ बाहर में थे, कुछ यहाँ पर थे। जो नहीं थे उनको कॉल किया, वे तत्काल आने का प्रयास किया और सुबह तक पहुँच गए। तो मैं यही चाहूँगा कि जो उनकी समस्याएं रही हो समाज के साथ या परिवार के साथ, वो अपनी समस्याओं या परेशानियों को, जो भी उनको लेना देना होगा, वह उनके औलादों से लेन देन करेंगे, या समस्याएं जो भी होंगी उनका निपटारा अपनी औलादों से करेंगे, उनकी औलादें करेंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उनका जो है, वो हमारा अंकल भी है, चचा लगते हैं चार। तो उनका जो देहांत हुआ वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, खाना पीना नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया।